आई एम परविंदर रंधावा गुरु, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट थैंक्स बटन। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। दिस चैनल इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन द फील्ड ऑफ आयल्स। ये जो वीडियो है मैं हिंदी में बना रहा हूँ, ये वीडियो मैंने MCQs के ऊपर बनानी है। इसका जो टेस्ट है, जो मेरी सिलेक्शन है, दैट इज़ टेस्ट 1 कैम्ब्रिज 16 का एकेडमी का, और रीडिंग पैसेज 3rd है ये, जिसके ऊपर मैंने पिक किया है। और जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ फ्रॉम 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चंस हैं MCQs के, जिनके ऊपर हम लोगों ने वर्क करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास प्लीज़। हमने मेथड हमारा वही है, अगर आप अब रीडिंग पैसेज 3 में आ चुके हैं आप एग्ज़ाम में, तो 40 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है, चाहे आप कंप्यूटराइज एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप पेन एग्ज़ाम है, तो पेंसिल एग्ज़ाम। सो द थिंग इज़ दैट, अब जब मैंने ये वर्क मैं कर रहा हूँ, मैं एक मिनट के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो अब मुझे पता है कि 27 जो मेरा क्वेश्चंस है मुझे पहले रीड करना है, फिर मैं 28 को रीड करके 29 को जो मुझे पहले मिलेगा उसको मैंने सॉल्व करना है। लेकिन इन्होंने मुझे एक टिप दे दिया है, जो टिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आप पढ़ सकते हो, चूज़ द करेक्ट लेटर ABCD। 27 में देखिए, इन्होंने कह दिया कि आपका आंसर फर्स्ट पैरा में बैठा हुआ है, दैट्स ईजी फॉर मी। 28 में उन्होंने क्लियर कर दिया कि सेकंड पैरा में आपका आंसर बैठा हुआ है, उस टेलर फाइन के व्यू को आप लोगों ने कैप्चर करना है, राइट। यहाँ पे आके जो 29th है, तो पर्सन आपका वही है, डैट इज टेलर, बट यहाँ पे इन्होंने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को पिक कर लिया है। तो मुझे इसमें ये नहीं बताया कि मैंने कौन से पैसेज में सर्च करना है, पैराग्राफ में सर्च करना है। और 30 का जो ये है, इन्होंने रिसर्च में एक हिंट दे दिया यूवन मैकोए की, कि इसकी जो रिसर्च है इस पर्सन की, वो रिसेंटली पब्लिश्ड है। तो मुझे ये एक मेरे कीवर्ड्स हैं, जहाँ से मुझे एक ट्रैक मिल जाएगा कि कैसे मैं अपने आंसर्स को आराम से गैस कर सकता हूँ। जो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, 27 में उसने कहा कि फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट, तो यहाँ से मुझे फर्स्ट पैरे का एक तरह से कंक्लूडिंग पार्ट उठाना है कि वो पैरा बता क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये आंसर अपना सॉल्व देना है, जो भी मेरा आंसर है फ्रॉम ABCD। जब मैं सेकंड पैरा में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे स्टेलअप सीढ़ी के व्यू को देखना है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की यहाँ पे, कि जो ये नॉलेज इकोनॉमी है, जो इन्होंने वर्ड लिखा है, इसको इन्होंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज़ किया है। देखो, यही चीज़ें होती हैं जो आपको जल्दी आंसर देंगी, करेक्ट आंसर देंगी, और जो आपका टाइम सेव करेंगी। जब आप इन बातों को इग्नोर करोगे, नेचुरली आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, और बल्कि आपका टाइम भी ज़्यादा वो होएगा, यूज़ होता है। तो मैं ये अब 29th में मैंने पचीडी के ऊपर ही रहना है, और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बारे में उसने ऑब्जर्व क्या किया, इसके ऊपर मुझे चलना है। अभी तक ना मैंने आपके आगे ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, डी पढ़ा, मैं तो डायरेक्ट मेथड में चल रहा हूँ कि मैंने जो 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि मैं उनके ऊपर कैसे वर्क करना है, राइट। तो अब मैं लेता हूँ फर्स्ट पैरा को। अकॉर्डिंग टू लीडिंग बिजनेस कंसल्टेंसी, कोई भी कंसल्टेंसी है, कोई भी लीडिंग, 3-4% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स विल नीड टू स्विच टू अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन विद इन द नेक्स्ट, इनकी जो भी रिसर्च है वो ये है। एंड ऑल वर्कर्स विल नीड टू अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब यहाँ पे एक अडॉप्ट होता है, एक अडेप्ट होता है, तो अडेप्ट का मतलब उन लोगों को ये मतलब असेस करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, एज देयर ऑक्यूपेशंस इवॉल्व अलोंगसाइड इंक्रीजिंगली कैपेबल मशीन्स। ऑटोमेशन और एम्बॉयडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द लेबर मार्केट। यहाँ पे इस बंदे ने एम्बॉयडेड पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे चला गया। यहाँ पे ये बंदा कह रहा है, डिस एम्बॉयडेड AI लाइक द एल्गोरिथम्स रनिंग इन आर स्मार्टफोन्स इज अनदर। तो ये मुझे अपना फर्स्ट पैरा मिल गया है, जिस अब मुझे इसका कंक्लूजन निकालना है, उस कंक्लूजन को मुझे ABCD वट एवर में भी मेरा जो आंसर है उसके ऊपर सर्च करना है, ठीक है जी। अब
एक रीज़न इस देखो सेकंड में मेरा कोई मीनिंग नहीं है, सेकंड में वैसे भी उन्होंने पर्सन का नाम लिख दिया है, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट में कहा है कि आप कैसे सर्च करोगे। सो लेट्स गो टू दिस पॉइंट। कैम्ब्रिज 16 टेस्ट 1 है एका का, जो आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, राइट। अब मैं इसके ऊपर जो वर्क करने जा रहा हूँ, डेट्स माई पार्ट हेयर, जो उसने कहा कि फर्स्ट पैराग्राफ बताता है काइंड्स ऑफ जॉब डैट विल बी मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ एआई। यहाँ पे देखो पूरे पैरा में किसी भी काइंड ऑफ जॉब की बात नहीं करी उसने, हाँ हल्की सी एआई टू वे में बात की है, एक एम्ब्रॉयडर्ड एआई एक डिसएम्ब्रॉयडर्ड, तो मतलब ही नहीं बनता काइंड्स ऑफ जॉब। काइंड्स ऑफ जॉब में आ गया जैसे कोई सोल्जर का जॉब हो गया, टीचर का जॉब हो गया, इस टाइप के जॉब हो गए। तो अभी मैं इसको रफ में कंसीडर नहीं कर रहा, अभी भी रफ में ही कर रहा हूँ। द एक्सटेंट टू विच एआई विल आल्टर ऑन चेंज होता है द नेचर ऑफ द वर्क दैट पीपल डू, कि एआई जो है लोगों के वर्क को चेंज करेगा। देखो ये अगर मैं इसकी मैचिंग करता हूँ, देख अब ये पॉइंट जो मेरा है, पहली बात कि एआई है ये, अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग बिजनेस कंसल्टेंसी 3% ऑफ ग्लोबल फोर्स विल नीड टू स्विच, कि उनको स्विच करना पड़ेगा। स्विच का जो एक मीनिंग है वो मेरा थोड़ा सा अल्टर से मीनिंग मैच हो जाता है। द नेचर ऑफ वर्क डैट पीपल डू टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, तो इसने कहा कि उनको चेंज करना पड़ेगा अपना काम। तो अगर मैं पूरा क्लियर करता हूँ तो फर्स्ट लाइन पे मेरा आंसर ये क्लियर जो लाइन मैच हो रही है, लेकिन मैं फिर भी सीधी एक बार हम लोग कंसल्ट करेंगे। तो उसने देखो विल नीड टू स्विच अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग, अब ये जो पॉइंट है यहाँ से मुझे एक चीज़ और क्लियर होगी, जैसे मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। चलो ये पहले इसको क्लियर करते हैं फिर अगले पॉइंट पे जाएंगे, फिर पजल हो जाएंगे। 3-4% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स विल नीड टू स्विच टू अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, के वो ऑक्यूपेशन चेंज कर देंगे, ऑल्टर द नेचर ऑफ वर्क दैट पीपल डू। तो 100% आंसर ये है। अब ये आंसर मुझे मिला एक रिसर्च से, तो ये याद रखना जब भी आपके पास ऐसा कंक्लूजन वाला पार्ट आता है तो आपने कोई रिसर्च उसमें लिखी होगी, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर देना, आपका आंसर हो सकता है बिल्कुल ठीक आए। अब मैं आ गया सेकंड पैरा सी पे, द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड लेबर फोर्स हु विल हैव जॉब्स इन एआई, इन प्रोपोर्शन इसने बता रखी है, बिल्कुल बता रखी है 3-14%, लेकिन वर्ल्ड लेबर फोर्स ग्लोबल वर्क फोर्स सारा कट गया मेरा ये, हु विल हैव जॉब्स आई जॉब वुड नीड टू स्विच टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, इसने एआई की बात नहीं करी। हाँ यहाँ जाके इस पर्सन ने क्या किया, ऑल वर्कर्स विल नीड टू अडेप्ट एज देअर ऑक्यूपेशन इवॉल्व alongside will need to adapt we occupations, उनकी मशीन मांग रही है, बट ये नहीं कहा कि आप लोग एआई में चले जाएंगे फ्यूचर में। एआई का मतलब होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टाइप वर्क करने लग जाएंगे। तो आई थिंक अब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया, लेकिन ये हो सकता है कि कई लोग सी आंसर देते, तो ये गलती मत करना, बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि उसने क्लियर किया हुआ है। एक सबसे बड़ी बात उस बंदे ने यहाँ पे जो चेंज किया है, यहाँ प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड लेबर फोर्स का है, तो ये वर्ल्ड को लेबर फोर्स को वर्ल्ड का घर माना है, यहाँ पे ग्लोबल वर्क फोर्स एक ओपन आइडिया दिया है, यहाँ पे क्लोज आइडिया, यहाँ जो लेबर फोर्स है वो आपकी इसके साथ अटैच है, ये ग्लोबल वर्क फोर्स है, ये इन दोनों का भी मीनिंग ध्यान रखना प्लीज़। इस तरह के जब ये पोस्ट ऑफिस ऐसा आ जाते हैं ये भी हमें थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखना है। जब मैं डी पे आता हूँ तो कहता है डिफरेंस बिटवीन वेज दैट, उन दोनों को उसने कंपेयर नहीं किया, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मैंने एकदम क्यों मना कर दिया, अभी बिटवीन कह दिया, बिटवीन का रिलेशन एंड से होता है, तो एक तरफ उनको एम्ब्रॉयडर्ड और डिसएम्ब्रॉयडर्ड की बात की हुई है, तो प्लीज़ इनके ऊपर ना करिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सेकेंड पैरा में, सेकेंड पैरा में वो कह रहा है, इसको पकड़ लेना जरा, व्यू ऑफ द नॉलेज इकोनमी को पकड़ना है मुझे, बाकी मुझे कहीं नहीं जाना है। डॉक्टर स्टेला पेशीडी फ्रॉम द कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल बिलीव्स दैट सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चेंजेस आर हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एल्गोरिथमिकेशन ऑफ जॉब्स डेटा डिपेंडेंट ऑन डेटा रादर देन ऑन प्रोडक्शन द सो कॉल्ड नॉलेज इकोनमी। तो मुझे
नॉलेज इकोनॉमी मिल गई है। जाने को मैं आगे भी पढ़ सकता हूँ, बट मुझे ये वर्ड पे ध्यान कहना है क्योंकि इसने डेफिनेशन दे दी सो कॉल्ड इकोनॉमी। अब ये कह रही ये जो व्यू है ये कह रहा है कि पर्सन व्यू क्या है उसका नॉलेज इकोनॉमी पे। अगर मैं इस चीज़ को फिर वर्कआउट करने की कोशिश करूँगा तो प्लीज़ यहाँ से ये बिल्कुल ध्यान दो। उसने कहा है, देखो आपको एकदम आंसर एकदम बाहर आएगा, उसने इसका मतलब ये है कि मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा आंसर बैठा हुआ है। पेशीडी फ्रॉम कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल बिलीव सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चेंजेस आर हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दैट आर डिपेंडेंट ऑन वट एवर मे बी। तो उसने एक वर्ड दिया है और पिछली भी कई वीडियोस में अगर MCQs की आप वीडियो देखोगे, मैंने ये आपको टिप पहले भी दे रखा है, यही टिप यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इट इज़ हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल, राइट। तो ये नंबर ऑफ जॉब्स पे ध्यान देगा। उसने क्या कहा है कि डेटा के ऊपर जा रही हैं प्रोडक्शन की जगह, जो जॉब्स हैं वो डिपेंड हो रहे हैं। जैसे आज की डेट में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो कार्स आ रही हैं वो सारा डेटा बेस्ड आ रही हैं, चिप सिस्टम पे चल रही हैं। पहले कार मशीन सिस्टम पे होती थी, मशीन आज भी कार्स में है बट वो मशीन डिपेंडेंट हो गई है चिप पे। ये इस लाइन का मतलब है डियर, तो पजल नहीं होना, नॉलेज इकोनॉमी आ गई है। इट इज़ चेंजिंग पीपल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर, वो एटीट्यूड की कोई बात नहीं हुई, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इट इज़ द मेन रीज़न वाई द प्रोडक्शन सेक्टर इज द मेन रीज़न की भी नहीं बात की उसने, कहा फंडामेंटल चेंजेस आर हैपनिंग, फंडामेंटल की जगह बेसिक चेंजेस आर हैपनिंग। इट इज़ अ की फैक्टर ड्राइविंग करंट डेवलपमेंट्स इन द वर्क प्लेस। तो ये की फैक्टर है। देखो मैंने आपको एक बात याद रखो, इसने कहा सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चेंजेस, और इस बंदे ने एक बहुत सिंपल सा टिप है द मेन रीजन लिख दिया। इसका मतलब इसको ले लिया इस यहाँ पे नंबर वन, और ये बंदा कह रहा है सम ऑफ द मोस्ट, बल्कि नंबर टू भी हो सकती है, नंबर थ्री भी हो सकती है, नंबर फोर भी हो सकती है, और इट इज़ ए की फैक्टर, मतलब कई की फैक्टर हैं बट ये भी उनमें से एक है। देख अगर पॉइंट पकड़ते हो तो की फैक्टर और फंडामेंटल चेंजेस ड्राइविंग करंट डेवलपमेंट्स इन द वर्कप्लेस पे करंट डेवलपमेंट्स ले रही हैं। अब देखो मैच करके, अगर जो मैंने आपको बताया है फंडामेंटल चेंजेस और डेवलपमेंट्स, राइट, तो और की फैक्टर ड्राइविंग ये चीज आर हैपनिंग, दिस इज द पॉइंट। और ऊपर वाले तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे, हैविंग चेंजिंग की बात नहीं, इन दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चल सकता था एग्जाम में तो, लेकिन आपका यहाँ पे डी आंसर है, तो ये याद रखना आपने। क्यों है रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि आपके आएगा सम ऑफ द मोस्ट कहा उसने, द मोस्ट ने कहा, अगर सम ऑफ नहीं होता तो मैं सोचता फिर आंसर क्या था, ठीक है। तो उसने क्लियर आपको टिप दे दिया, तो ये टाइम आपकी चीज़ें बचाती हैं। चार क्वेश्चंस हैं, आराम से करेंगे डियर, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बारी में ही टेस्ट अटैम्प्ट करके क्लियर करो, उसी का बेनिफिट है। यही रूल्स देखो जनरल के चलते हैं, यही एक्का के हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो पैराज ओवर हो गए, दो पैरा हो गए, थर्ड पैरे में मैं जा रहा हूँ। अब वो कह रहा है टेली कम्युनिकेशन कंपनीज, तो मुझे ये चीज़ पकड़नी है विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के आगे है, कहीं आपको टेली कम्युनिकेशन मिला तो बता देना प्लीज़, राइट। आगे जाते हैं, अदर इशू जो भी है ये आ गया जो कि आपको क्लियर दिख रहा है, दैट इज़ ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो उन्होंने मॉनिटर की है, मॉनिटर का मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कंट्रोल किया या रिसर्च की, तो ये क्योंकि इंग्लिश है कोई वर्ड कहीं जाके फिट हो जाता है, सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो उसने कहा व्हाट डिड फशीदी ऑब्जर्व एट द टेली कम्युनिकेशन कंपनी, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया। हमने ऑब्जर्व का देखना है, इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट हो गई, उसकी ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिए, फॉर ओवर टू ईयर्स उस पर्सन ने मॉनिटर किया। द वे टेलीकॉम सेल पीपल वर्क इज थ्रू पर्सनल एंड फ्रिक्वेंट कॉन्टेक्ट्स विद क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं यूजिंग द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस टू असेस द सिचुएशन एंड रीच ए डिसीजन, ठीक है जी, तो क्लियर कर रहा है। हाउएवर द कंपनी हैड स्टार्टेड यूजिंग ए ब्रैकेट में एंड कर दिया एल्गोरिदम डैट डिफाइंड व्हेन अकाउंट मैनेजर्स, तो उन्होंने कोई मशीन वर्क स्टार्ट किया, कंप्यूटिंग वर्क स्टार्ट किया, अकाउंट मैनेजर्स शुड कॉन्टेक्ट सर्टन कस्टमर्स अबाउट विच काइंड ऑफ कंपेन्स एंड वट टू ऑफर दैम। तो उन्होंने क्या किया, देखो ये पर्सनल और फ्रिक्वेंट बेनिफिट लेते थे सिचुएशन का कि कब उन्होंने करना, तो कंपनी ने क्या किया कि कंप्यूटिंग
कंप्यूटिंग को ले आई। कंप्यूटिंग के बाद उन्होंने अकाउंट्स मैनेजर के साथ उन्होंने वर्कआउट मतलब कि कर दिया कि तुमने कब किस कस्टमर को कैंपेन करनी है और क्या ऑफर करना है। तो अब इसका मतलब जो है कि इस चीज़ को उन्होंने मॉनिटर किया। मैं आगे जाता हूँ। बिल्ट बाय एक्सटर्नल डिजाइनर्स ऑफन बिकम्स द कीपर ऑफ नॉलेज शी एक्सप्लेन्स इट इन केसेस लाइक दिस पशिदी बिलीव्स शो साइटेड व्यू बिगेंस टू क्रीप इनटू वर्किंग प्रैक्टिसेस वेयर बाय वर्कर्स लर्न थ्रू द एल्गोरिदम आइज एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन इट्स इंस्ट्रक्शन अल्टरनेटिवली explorations where experimentation and human instinct lead to progress and new ideas are effectively discouraged. So even observed, अभी add on कर रहा है, people developing strategies to make the algorithm work to their own advantage. We are seeing cases where workers feed the algorithm with false data to reach their target, she reports. तो इसका मतलब और आगे भी अभी चल रहा है मेरा वर्क, तो यहाँ से स्टार्ट हो गए एग्ज़ाम में यही चीज़ चलती रहेगी। इट्स सिनेरियोस लाइक दीज मैनी रिसर्चर्स आर वर्किंग टू अवॉइड देयर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एआई टेक्नोलॉजीज मोर ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांसपेरेंट सो दैट मुझे पता है अभी अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड हाउ एआई डिसीजंस आर इन द मेन टाइम सेज पासी थी वी नीड टू मेक श्योर वी फीली अंडरस्टैंड द डायलेमास दैट दिस न्यू वर्ल्ड रेजेस रिगार्डिंग एक्सपर्टाइज ऑक्यूपेशनल बाउंड्रीज एंड कंट्रोल्स। यहाँ से नेक्स्ट प्रोफेसर आ गए तो ये मेरा पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया। ये सेकंड पेज है इस पैसेज का। अब यहाँ से मुझे ये देखो, अब इन्होंने यहाँ पजल दे दिया है तो ये इट्स अ काइंड ऑफ पजलिंग। तो उन्होंने मॉनिटर किया, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, स्टाफ डिसएग्रीइंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ एआई। तो मुझे यहाँ पे इफेक्टिवली डिस्करेज्ड आ जाएगा और दिस अल्टरनेटिव एक्सप्लोरेशन वीर एक्सपेरिमेंटेशन ह्यूमन इंस्टिंक्ट लीड टू प्रोग्रेस न्यू आइडिया इफेक्टिवली डिस्करेज। तो पीपल डेवलपिंग टू मेक द एल्गोरिदम वर्क्स टू देयर ओन एडवांटेज, कई चेंज भी कर रहे हैं तो मुझे ये एक सूट नहीं किया अभी, बाकी देखते हैं। स्टाफ फीलिंग रिसेंट फुल अबाउट द इंट्रूशन ऑफ ए आई इन देयर वर्क। सो इफ ये रिसेंटफुल एंगर होता है, एंगर वर्ड हमें कहीं दिखा नहीं, चलो लेट्स सी। अभी स्टाफ मेकिंग श्योर दैट ए आई प्रोड्यूसिस द रिजल्ट दैट दे वॉन्ट। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मेरा की वर्ड है ऑब्जर्व, मैंने इवन के ऊपर यही मैंने इसके ऊपर ऐड जो किया इन्होंने स्पेशल, क्योंकि इसने मुझे टिप में बता दिया था कि उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया है। अगर मैं ये टिप ना पकड़ूँ तो मेरा आंसर 100% रॉन्ग हो जाएगा। मैंने ये टिप पकड़ रखा था, यहाँ से जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता लग गया कि मुझे टिप नहीं मिला, मुझे यहाँ के टिप मिला। फिर भी मैंने आप लोगों को ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए। उसने कहा स्टाफ मेकिंग श्योर दैट एआई प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स दैट दे वांट। वी आर सीइंग केसेस, वी से बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि वी मतलब ये पर्सन हो गया, इसके कॉलीग्स हो गए, जो भी है। वेयर वर्कर्स फीड द एल्गोरिदम विद फॉल्स डाटा टू रीच देयर टारगेट शी रिपोर्ट्स। एकदम आंसर आपके माइंड में हिट करेगा। नो नीड टू, ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है डियर, टू सी इज द राइट आंसर यार। कितना अच्छा, अगर मेरा वही बात है ना, मैचिंग की टेक्निक है, अगर मेरा मैच अच्छा हो गया तो मुझे कितना अच्छा मतलब वर्कआउट मिल गया, एकदम मुझे मिला ऑब्जर्व के साथ ऑब्जर्व, बाकी आंसर आपके साथ नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास आंसर बैठा है, उसकी रिपोर्ट है, ठीक है। तो यही उसने कहा, पूछा ना आपको कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, तो मॉनिटर किया उसने, वो बात अलग है। तो हम लोग पजल नहीं होना ऑब्जर्व मॉनिटर में, ये पजलिंग सिचुएशन होती है, राइट। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब जैसे अगला है, हम लोग 30 पहले ही पढ़ चुके हैं, यू आर राइट। तो मैं ये जो चीज़ है ये यहाँ मिल गई है, डायरेक्ट आपको दिख रही है। अब मुझे इसमें क्वेश्चन को स्टडी करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। रिसेंटली पब्लिश, हाँ मैंने ये बात कह चुका हूँ आपको कि आपने वही वर्ड को पकड़ना है। ये चीज़ होती है, जब हम सही लाइन सही वर्ड पकड़ लेते हैं ना, तो आंसर जो गलत होने के चांसेस जीरो रह जाते हैं, जस्ट जीरो। सो रिमेंबर वन थिंग, तो उसने कहा है कि देखो सामने आपके लाइन लिखी हुई है, हिज रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ वेदर एटम। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे, लेट्स ट्राई विद यू कि उसकी जो वन मिनट आई थिंक अब ठीक है राइट। तो उसने कहा है कि
answers the question of whether automation, AI and robotics will mean a jobless future by looking at the causes of unemployment. History is clear that change can mean right redundancies, but social policies can tackle this through restraining. अब इसने क्या बताया रिसेंटली रिसर्च में, ठीक है, ये चैलेंज करता है आइडिया को कि नेगेटिव थिंक है. देखो, हिस्ट्री इज क्लियर डेट चेंज कैन मीन कि चेंज आती है, तो अगर मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ तो मुझे कहीं नेगेटिविटी नहीं बनती है. इसको मैं बहुत अगर डेप्थ में जाऊँगा आपको क्लियर हो जाएगा, मैं समझा देता हूँ. शोज द परफाउंड इफेक्ट ऑफ मास एम्प्लॉयमेंट सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑन सोसाइटी. परफाउंड का मतलब बहुत ज़्यादा होता है इफेक्ट जो है, ये वाला है मास अनएम्प्लॉयमेंट को. इस उन्होंने कहा है कि मीन अ जॉबलेस बाई लुकिंग एट द कॉज. इसने आंसर द क्वेश्चन, इसने आंसर किया है क्वेश्चन को, तो इसका ये मतलब कि आंसर ये नहीं है. इसने मतलब कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था उसका ये आंसर दिया है. माई डियर, ये मतलब है. अगर इसको आप गलत लेंगे तो हो सकता है आप आंसर भी गलत दे दोगे. फिर कहता है इन साई सॉरी हाईलाइट सम डिफरेंसेस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर जॉब लॉसेस. पास्ट और फ्यूचर उसने सिर्फ ये कहा कि चेंज कैन मीन, लेकिन कभी भी कंपेयर नहीं किया. इलस्ट्रेट्स हाउ चेंजेस इन द जॉब मार्केट कैन बी सक्सेसफुली हैंडल. सोशल पॉलिसीज कैन टैकल दिस. तो ये सोशल पॉलिसीज को उठा रहा है थ्रू रिट्रेनिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट. तो ये इसने चेंजेस मार्केट में सक्सेसफुली हैंडल करी है, ये मतलब उसका. कहने का मीनिंग ये, आज से 200 साल पहले जब सोल्जर्स होते थे, जब कोई भी होता था, किंग होता था, उस टाइम एक कॉपी चलती होगी या पेन चलता होएगा, कुछ भी है, जब सोल्जर के हाथ में एक सोड होएगी. आज की डेट में सोल्जर के पास ऑटोमेटिक मशीन गन्स हैं या कुछ भी कह लो आप. तो ये चीज़ है, तो काम तो वो आज भी सोल्जर वाला कर रहा है या एक क्लर्क वाला काम कर रहा है, बट जो टाइप राइटर था वो आज की जगह कंप्यूटर हो गया. ये चीज़ कहना चाहता है वो, इसीलिए हुआ कि उन लोगों को रीट्रेनिंग करी रीड. तो हिस्ट्री क्लियर, तो हिस्ट्री ने उन लोगों को बाहर कर दिया जिन्होंने चेंज नहीं किया, बट जिन्होंने चेंज किया हिस्ट्री उनको हमेशा सैल्यूट करती है, ये कहने का मतलब है. तो डी इज द राइट आंसर. ये तभी नेगेटिव थिंग की बात नहीं करी. तो और दूसरी बात, ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर इस पर्सन ने दिया, ये इसका क्वेश्चन नहीं था. तो इसकी जो रिसेंटली पब्लिश रिसर्चर्स ने ये आंसर दिया है. तो ये चीज है आपके MCQs, ठीक है. ये मैंने आपके आगे किए हैं कैम्ब्रिज 16, राइट. बट टिप्स जो हैं सेम है, एका के और जनरल के. टेस्ट 1 है, रीडिंग पैसेज 3 है. हमने 4 सोल्व किए हैं आपके आगे, 27, 28, 29, 30, और ये चारों आपके आगे सॉल्व हो चुके हैं, जिनके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं. एक शायद फर्स्ट का नहीं लिखा मैंने, बी आंसर है. सेकंड का डी है, इसका सी है, थर्ड 29th का, 30th का, फिर डी है. तो ये चार इन हमने सिर्फ करे हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत टाइम लिया. जब सब किसी को समझाते हो तो टाइम लगता है. और आप देख रही हैं परविंदर नवा गुरु यूट्यूब चैनल. प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द थैंक्स बटन. आपको एक चीज़ हो रहा है कि यू आर ऑल्सो वॉचिंग वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टीजमेंट्स ऑन माई चैनल. आप देखते हो तो बहुत हर रीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एड है उसको प्रमोट करा हुआ है एडवर्ट को. तो हर कंट्री रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर पंजाब साइड चैनल चलता है तो वहाँ की एड पंजाबी में भी आ रही है. तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी वी कैन से दैट एप्रिसिएशन फॉर मी. सो थैंक्स वंस अगेन, राइट, फॉर वॉचिंग दिस चैनल. प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल परविंदर रंधावा गुरु.